नमस्कार, मेरा नाम है यशिता नागपाल और आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज खबर 24। आइए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। फरीदाबाद से सटे बल्लभगढ़ के बस स्टैंड पर ऑपरेशन मुस्कान के तहत 11 बच्चे रेस्क्यू किए गए। ऑपरेशन मुस्कान गुमशुदा बच्चों को अपने परिवार से मिलवाने, बाल मजदूरी तथा भीख मांग रहे बच्चों को रेस्क्यू करवाने के प्रति हरियाणा सरकार द्वारा की गई एक पहल है। स्टेट क्राइम ब्रांच फरीदाबाद के ASI अमर सिंह का कहना है कि कानून तोड़ना कोई मजबूरी नहीं बल्कि स्वार्थ है। गरीब माता पिता अपने बच्चों को काम करवाने भेज देते हैं और चंद पैसों के लिए उनका भविष्य खराब कर देते हैं। आगामी कार्यवाही के तहत सभी बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश किया जाएगा। उसके बाद बाल कल्याण समिति के आदेश अनुसार जुर्माना, मुकदमा या फिर दोनों दर्ज किए जाएंगे। सर, आपका शुभ नाम और क्या डिटेल्स? मेरा नाम ASI अमर सिंह है, मैं एनटीयू में डेप्टी यूनिट फरीदाबाद में तैनात हूँ। आज अमर सिंह जी, जो जो ऑपरेशन किया है, कितने बच्चे रेस्क्यू किए हैं और किसके समर्थन? आज टोटल 11 बच्चे हैं। ऑपरेशन मुस्कान चला हुआ है हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा पुलिस की तरफ से ऑपरेशन मुस्कान चला हुआ है, जो पूरे हरियाणा में चला हुआ है। वहाँ इस ऑपरेशन मुस्कान में मिसिंग बच्चों को परिवार से मिलाना है, जिन बच्चों से काम करवाया जा रहा है उनको रेस्क्यू करना है, उनको काम से छुड़वाना है, जो बच्चे भीख मांग रहे हैं उनको रेस्क्यू करना है। कितने बच्चे रेस्क्यू किए हैं फिलहाल? टोटल 11 बच्चे हैं। कोई परिवार के लोग आए हैं क्या? कुछ मजबूरी बताइए जो काम कर रहे हैं। कानून तोड़ने कोई मजबूरी नहीं होती, ज़्यादातर इसमें मजबूरियाँ कम हैं और अपनी स्वार्थ की भावनाएं ज़्यादा है सभी की, ज़्यादातर कि बच्चों का जो एक दुकानदार रख रहा है, मान लिया बच्चा गरीब है, हम सब लोग समझते हैं कि बच्चा दुकानदार कितने रुपये दे रहा है उसको, 2000 रुपये, 3000 रुपये। भाई आप मार्केट देखो, हरियाणा गेट 10 से 11 हज़ार रुपये के बीच का है, तो शोषण ही तो कर रहा है, मालिक जो भी कर रहा है, तो अपनी स्वार्थ की भावना किसी को मजबूर। क्या कार्रवाई आगामी की जाएगी? लोकल पुलिस को साथ लेकर सूचना देगी, आमरवानी कराइए, मेडिक कराएंगे बच्चों को, सभी को बाल कल्याण समिति के समक्ष पेश करेंगे। जो बच्चों के बयान होंगे ना, बच्चों के बयान के आधार पर बाल कल्याण समिति आदेश करेगी, जो उन पर जुर्माना करती है, मुकदमा दर्ज करती है, उनके